यानी फंक्शन क्लास 11th में ही पढ़ना है और क्लास 12th में ही पढ़ना है। तो चलो यहां क्या पढ़ना है, वहां क्या पढ़ना है, ये चीज हम अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ डेफिनेशन मतलब एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, पढ़ लिए हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन यही स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। और हम देखेंगे कौन कौन सा टाइप का फंक्शन है, वो अभी हम लिस्ट देंगे, ये हेडिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद और क्या पढ़ना है हमें यहाँ क्लास 11th में, तो हमें डेफिनेशन सीखना है, सीख चुके। रिप्रेजेंटेशन सीखना है फंक्शन का, सीख चुके, आया ना। टाइप्स, इसके बाद क्या पढ़ना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। बट अभी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर फंक्शन का ग्राफ, जितना टाइप हर एक टाइप का ग्राफ, ग्राफ भी सीखेंगे यहाँ पे। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन, हाँ या ना, जितना भी टाइप का फंक्शन होगा प्रत्येक टाइप का ग्राफ भी हम सीखेंगे। उसके बाद प्रत्येक का डोमेन एंड रेंज निकालना सीखेंगे। इसी में लगेगा 20-25 क्लास का है वाला, जिसमें से ये पढ़ लिए, ये खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट करना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शन, उनका ग्राफ और डोमेन और रेंज, 20-25 क्लास लगेगा। कितना लगेगा? अब यहाँ क्या पढ़ना है, यहाँ समझो, यहाँ स्टार्ट होगा मैपिंग ऑफ फंक्शन, मैपिंग ऑफ फंक्शन, जिसको हम कुछ देर के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। बट ये जो टाइप्स है उससे ही अलग होगा, बात समझ में आया। ये यहाँ कुछ और टाइप पढ़ेंगे और यहाँ कुछ और। इसको टाइप्स ऑफ फंक्शन की जगह नेमिंग ऑफ फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और यहाँ पे मैपिंग ऑफ फंक्शन या टाइप ऑफ फंक्शन, यहाँ जो टाइप चलेगा ये वो वाला टाइप नहीं है। यानी दो बार फंक्शन का बंटवारा सीखेंगे, एक इलेवेंथ में सीखेंगे और एक ट्वेल्थ में सीखेंगे। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। फलन मतलब एक ही फंक्शन में दो अलग अलग टाइप का फंक्शन ज्वाइंट होगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। उसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या पढ़ेंगे, बस ये तीन चीज क्लास 12th में पढ़ेंगे और इतना चीज क्लास 11th में पढ़ेंगे। बात समझ में आया? क्लास 11th में इतना चीज पढ़ेंगे और क्लास 12th में मैपिंग ऑफ फंक्शन या उसी को टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो टाइप यहाँ पढ़ रहे वो टाइप ये नहीं है, ये अलग अलग का टाइप से आया ना। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन या उसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलेंगे, आया ना, या उसी को इंग्लिश हिंदी में समरिस्ट फंक्शन क्या। उसके बाद एक और लास्ट का टॉपिक क्या होगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन, फलन का व्युत्क्रम। ये तीन टॉपिक पढ़ना है क्लास 12th में और इतना पढ़ना है क्लास 11th में। अब इसको हम डुप्लीकेट नहीं बोल रहे हैं, बट सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट फंक्शन का
ठीक, बट अगर ये वाला इलेवेंथ का फंक्शन नहीं जानोगे कैलकुलस इस वाले फंक्शन इलेवेंथ वाले फंक्शन पे डिपेंड करेगा, ट्वेल्थ वाले फंक्शन पे कैलकुलस नहीं डिपेंड करेगा। यानी 100% कैलकुलस डिपेंड्स ऑन 11th क्लास फंक्शन, 0% कैलकुलस डिपेंड्स ऑन 12th क्लास फंक्शन। बात समझ में आया? कैलकुलस का 100% जो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा वो फंक्शन क्लास 11th में है, क्लास 12th वाले फंक्शन के ऊपर कैलकुलस डिपेंड नहीं करता। ये फर्जी में पढ़ेंगे, इनका कोई यूज आगे चलकर नहीं होगा, थोड़ा सा यूज इनका होगा। इसका यूज होगा, इसका भी होगा, हल्का 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 हल्का, बट 99% कैलकुलस डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ फंक्शन, 99% कैलकुलस डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप ऑफ फंक्शन एंड 1% कैलकुलस डिपेंड्स अपॉन दिस टाइप। यानी क्लास 11 का फंक्शन सबसे ज्यादा बीबीआई के फंक्शन, और लोग टीचर इसी को नहीं पढ़ाते हैं और इसको हल्का हल्का पढ़ा देते हैं। बात समझ में आए? बात जान लें, सबसे जरूरी है क्लास 11 का फंक्शन पढ़ना, क्योंकि इस पर सारा का सारा डिपेंड करता है कैलकुलस, 99% कैलकुलस डिपेंड्स अपॉन क्लास 11 का फंक्शन एंड 1% कैलकुलस डिपेंड्स अपॉन क्लास 12 फंक्शन। क्लास 12 के फंक्शन के ऊपर 1% कैलकुलस डिपेंड करता है और 99% कैलकुलस कहाँ डिपेंड करता है? क्लास 11 के। अब इम्पोर्टेंट समझ में आया? आया। और सबसे हार्ड वाला कॉन्सेप्ट यही मिलेगा, यहाँ इजी वाला लिख दिए, इजीएस्ट पार्ट ऑफ फंक्शन और ये टफेस्ट पार्ट ऑफ फंक्शन। अच्छे अच्छों का बैंड बच जाता है, फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने, फंक्शन का डोमेन रेंज निकालने में अच्छे अच्छों का बैंड बच जाता है। फंक्शन का बट आप चक्कर देखोगे पटना कोटा में बैठे स्टूडेंट को, ये भी बात जानते। और यहाँ से दो तीन सवाल आईआईटी में भी पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो। हमें बस यहाँ वाला फंक्शन पढ़ना है क्लास 11 में, क्लास 12 में जाएंगे तो कहाँ वाला पढ़ेंगे? अरे यही है, इसको भी पढ़ेंगे क्या? इसको कहाँ पढ़ेंगे? अभी फंक्शन का एफ भी मालूम नहीं चला है तुमको, अभी खाली रिप्रेजेंटेशन करना सीखे हो, भूल रहे हो ना? अभी फंक्शन का क्या सीखे हो? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सब बतोला हो गया, बतोला बातें कर जाए, बड़ा बड़ा बात कर गया, बड़ा ऐसे लगेगा अंबानी का बाप हो रहा है और आगे बढ़ का चचा जीरो का खोज तुम्हें लोग किए हो, ऐसे कर दो कैलकुलस तुम्ही हो, तुम्ही लोग बनाए हो। यहाँ कैलकुलस का क्वेश्चन अगर गलती किए हो ना, न्यूटन का भूत आके पकड़ के दबोचे मारेगा, ठीक है? कैलकुलस का कोई न्यूटन साहब ने किया है पूरे कैलकुलस का, इसीलिए अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट का खिताब न्यूटन को ही दिया गया, उनसे अच्छा वर्ल्ड में कोई दूसरा साइंटिस्ट अभी तक पैदा हुआ ही नहीं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री न्यूटन ने बनाया, पूरा कैलकुलस न्यूटन ने लिखा बनाया, पूरा फोर्स किसने दिया? न्यूटन ने दिया। ऐसा कोई एरिया नहीं बचा होगा साइंस का, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, जिसमें अपना वो योगदान नहीं दिया। Yeah,
गुस्सा है, गुस्सा है, बता दो मैं पूरा का पूरा कैलकुलस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पूछा इस बार भी पूछा, एक ऑब्जेक्टिव में डोमेन पूछा तो याद है, पूछा डोमेन कहाँ का पास है, कहीं यहाँ पे लिखा है डोमेन रेंज। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ट्वेल्थ वाला सही खाली पूछेगा तो भ्रम में हो। इस बार एक ऑब्जेक्टिव में डोमेन का क्वेश्चन दिया है, एक फंक्शन दिया है और डोमेन निकालने बोला है। तो कहाँ का पास है पूछा क्या है, हमारा यहाँ स्टार्ट क्या होगा। तो चलो लिस्ट दे देते हैं, इधर वाला हम नहीं देखेंगे, इधर वाला कहाँ देखेंगे। फंक्शन पता है, फंक्शन एक ऐसा चीज है, कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं हो सकता है फंक्शन में, चाहे हम रहें चाहे कोई भी। जितना जानेंगे ना कम पड़ जाएगा फंक्शन के लिए, बात समझ में आ रहा है। तो फंक्शन में खासकर कोई टीचर परफेक्ट, कोई टीचर ये बोल देता है कि फंक्शन हमको 100% आता है तो वो गलत बोल रहे हैं। ये बात हम भी एक्सेप्ट करेंगे कि फंक्शन के लिए हम अपने आप को एकदम परफेक्ट मान लें, या फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। फंक्शन समुद्र है, समुद्र, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसमें कोई भी टीचर 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, ये बात मान के चलना। यानी जितना भी पढ़ाएंगे समझना कि वो भी कम है, क्या है, और लोग तो पढ़ाते ही नहीं है। बट 11-12 के दृष्टिकोण से वही बहुत ज्यादा हो जाएगा जो पढ़ाएंगे ना, जितना 11-12 के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन, फिर इसका ग्राफ और इसका डोमेन और रेंज है ना। अरे यहाँ समझ लो, उसके बाद छापना। फलन के प्रकार, अब कौन कौन से फंक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे वो लिस्ट दे देते हैं और वन बाय वन डिस्कशन करेंगे और तीनों साथ में करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसका ग्राफ और इसका डोमेन, एक एक फंक्शन उठाएंगे, उनको समझेंगे, उनका ग्राफ सीखेंगे बनाना और उनका साथ में डोमेन और रेंज, मतलब एक फंक्शन का तीनों पार्ट कंप्लीट करेंगे तो ऐसे तक लास्ट तक पहुंचेंगे हम लोग का सिलेबस क्या हो जाएगा। एक फंक्शन लेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसका ग्राफ सीखेंगे, फिर उसका डोमेन और रेंज सीखेंगे, आए ना। फिर दूसरा फंक्शन उठाएंगे, यही काम करेंगे, फंक्शन को समझेंगे, ग्राफ को सीखेंगे, डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, फिर तीसरा लेंगे उसी तरीके से करेंगे, चौथा उसी तरीके से, समझ में आ गया। और फिर लास्ट का 5-7-8 क्लास मिक्सिंग वाला चलेगा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3-4 तरह का फंक्शन को मिक्स कर दिया गया है और तब हमसे डोमेन और रेंज पूछा है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। 5-7 क्लास लास्ट का वो चलेगा, समझ में आ रहा है, मिक्सिंग का इस्तेमाल, मतलब एक ही फंक्शन, एक मतलब एक क्वेश्चन है उसमें 3-4 तरह का फंक्शन को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया। तो पहले सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, हाँ सबसे पहला कौन सा फंक्शन, इसका बंटवारा होगा, क्या होगा,
अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर भी बहुत सारे टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके अंदर एक डिग्री का, दो डिग्री का, तीन डिग्री का और ज्यादा ज्यादा चार डिग्री का, यानी एक डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन, दो डिग्री पॉलीनोमियल फंक्शन, तीन डिग्री और चार डिग्री, हालांकि चार डिग्री तक का तो नहीं मिलेगा, ज्यादा ज्यादा क्या मिलेगा, बहुपद पढ़े हो चश्मा में, घात समझ में आता है, घात ये घात ही बोल रहे डिग्री का मतलब। इसी में दूसरा ठीक है, रेशनल पॉलीनोमियल फंक्शन, परिमेय बहुपदीय फलन, इरेशनल पॉलीनोमियल ठीक। इसके अंदर तीन अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर तीन पॉलीनोमियल, रेशनल पॉलीनोमियल, इरेशनल पॉलीनोमियल। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन में कंटिन्यू कर रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।